जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 17 जून 2021 और आज थर्सडे है। वीकली एक्सपायरी भी आप सबको पता है, 17 जून थर्सडे वीकली एक्सपायरी, और नेक्स्ट वीक हमारी मंथली एक्सपायरी भी है 24 तारीख को, जो अगला थर्सडे है। और आपने देखा ही होगा मैं आज पूरा लाल हो रखा हूँ, ऊपर से टी शर्ट तक आपको पूरा ही लाल लग रहा होगा, तो मार्केट भी लाल के ही संकेत दे रहा है। देयर इज़ नथिंग एस्ट्रोलॉजी अबाउट इट, लाल और ग्रीन हमारा मार्केट का कलर है। तो कल डाउ जोन्स 265 पॉइंट गिर के बंद हुआ। फेड ने 2024 के बजाय 2023 को बोल दिया कि हम रेट हाइक करने का, तब तक का जो वादा है वो 2024 से उन्होंने वादा 2023 पे ला दिया। प्लस बॉन्ड बाइंग में भी कुछ टेपरिंग हो सकती है, जो कंटिन्यूस 1.2 बिलियन की बॉन्ड बाइंग हो रही है उसमें भी कुछ टेपरिंग हो सकती है, ऐसे संकेत भी दिए उन्होंने, लेकिन सीधे सीधे नहीं बोला है। तो 265 पॉइंट कल डाउ जोन्स गिरा और आज 140 पॉइंट करीब डाउ फ्यूचर्स नीचे है। हमारा भारतीय जो निफ्टी एसजीएक्स है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, एसजीएक्स निफ्टी 666 दिख रहा होगा आपको, अभी टाइम भी देख लीजिए, 7:33, ठीक है, 7:33 PM और 666 की ओपनिंग बता रहा है अभी। तो आज के दिन आपको कैसे जाना है, सबसे पहले याद करिए, मैं पिछले 2 या 3 दिन से, हाँ, 900 का मैंने दावा किया था आपको कि 900 के ऊपर फ्यूचर निकलेगा, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और उसके बाद मैंने आप लोगों को हमेशा एक ही शब्द यूज़ किया कि अब फ्यूचर्स में कभी भी बाई होके मत जाइएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स में। अगर आपको बाई का सौदा भी लेना है तो कॉल के रूप में लीजिएगा, वरना मत लीजिए, और दूर रहेंगे तो, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ द जून, ये मैंने हमेशा बोला है कि लेटर हाफ ऑफ द जून इज़ ऑलवेज बियरिश एज पर मी, ये मैंने आपको कई बार बोला था कि लेटर हाफ ऑफ द जून हमेशा बियरिश रहेगा, ये इतिहास बताता है। इतिहास बताता है कि 2020 तक अगर आप डाटा चेक करोगे तो जुलाई एक हमेशा बुलिश मंथ रहा, एक्सेप्ट 2019। अगर वो 2006 या 5 से आप डाटा चेक करो तो हर साल जुलाई में, जून में जो लो बनता है, जून का जो लो बनता है वहाँ से 7 से 8% की तेज़ी रहती है, 7-8% की तेज़ी निफ्टी में रहती है मिनिमम। 23% भी बढ़ा है जुलाई में कई बार, जो लो जून का बनेगा उससे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अब आप पूछोगे 2019 में क्यों नहीं, फिर मंदी क्यों आई जुलाई में, तो 2019 में आपको पता होगा कि पहली बार हमारे इतिहास में जुलाई में बजट आया था, निर्मला जी ने बजट दिया था और FIs पे टैक्स लगा दिया था, आपको याद होगा, और फिर उन्होंने सितंबर में फिर उसका भुगतान किया कि भैया कॉरपोरेट टैक्स कट करके फिर वहाँ से मार्केट तेज हुआ था, तो वो भी आपको याद होगा। तो 2019 को आप छोड़ दीजिए, 2005-06 से डाटा चेक कर लीजिए, एवरी ईयर जून के बीतने के बाद जुलाई में जून का जो लो होता है वहाँ से 7-20% की तेजी आती है, समझ में आया आप? तो इसीलिए मैं बार बार आपको चेता रहा था, क्योंकि रिसर्च करके बैठता हूँ कि भैया जून का लेटर हाफ खतरनाक हो सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। लेकिन इसका मतलब मैंने बार बार ये भी बोला कि कोई भारी मंदी नहीं आएगी जून में, मगर एक 15500 या 15400 या 15300 दिखाने की ताकत तो रखता है, वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, ये मैंने शायद सैकड़ों बार रिपीट कर दिया। तो मैंने बार बार बोला कि मैं मंदी में तो नहीं हूँ, लेकिन ये करेक्शन ड्यू है
लेटर हाफ का मतलब क्या होता है, 15 जून तक हम तेजी रहे, 16 जून कल गई, लेटर हाफ स्टार्ट हो गया। लेटर हाफ मतलब सेकेंड हाफ ऑफ जून, तो स्टार्ट हो गया और कल ही उसने अपना धमाका दिखा दिया और आज एक धमाकेदार ओपनिंग होगी, यानी कि 150 पॉइंट नीचे खुलेगा। अब आपको कैसे मार्केट को खेलना है, क्योंकि मेन मुद्दा ये वीडियो बनाने का ये नहीं है कि आपको डराना है और आपको समझा, मेन मुद्दा ये है कि मैं आपको समझा दूँ कि कैसे आप लोग आज कामकाज करोगे। तो आज क्या करना है आपको, आज आपको देखिए, मेरा अगर सही मायने में अगर आप गुरु मानते हो तो कुछ दिन मार्केट से आउट रहो, और फिर भी अगर आपके अंदर में खुजली मस्ती है, क्योंकि मस्ती है, मेरे अंदर भी मस्ती है, मैं भी शांत नहीं बैठ सकता हूँ, तो मचेगी। ऑब्वियस है, हम लोग सवा नौ का इंतज़ार करते हैं हमेशा, रात होने के बाद सवा नौ का इंतज़ार करते हैं, 3:30 होने के बाद डाउ जोन्स का इंतज़ार करते हैं, ये हमारी रूटीन है। लेकिन मैं ऐसा वो डाउ ताउ कुछ नहीं देखता, मैं सुबह ही उठ के सब कुछ देखता हूँ, क्योंकि मैं रात ख़राब नहीं करना चाहता, मस्त रहता हूँ रात को, अपनी स्टडीज़ वगैरह में फोकस करता हूँ, ये डाउ ताउ कुछ नहीं देखता हूँ। तो ऐसा आप भी रूटीन बना लीजिए, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, और बीपी और प्रेशर अगर आपको रहता है तो वो भी कम हो जाएगा। और पैसा सब कुछ नहीं होता दोस्त, थोड़ा लाइफ को भी जियो, वरना पैसा कमाते कमाते इतने बाल सफ़ेद हो जाएंगे कि फिर पैसा कमा के भी कोई फ़ायदा नहीं। तो हाँ, अब आ जाइए, सॉरी, ज्ञान दे हूँ ना, ज्ञान की बातें चालू हो जाती। तो अभी 690 पे आप ध्यान रखिएगा, स्पॉट 690 के नीचे जब तक निफ्टी आ तब तक आप बाई करने का सोचिए मत, भले 10 दिन नहीं आए 690 वापस। तो 690 के बाद भी आपको बाई कैसे करना वो समझा देता हूँ। 690 के ऊपर 15 मिनट की जब तक दो कैंडल नहीं बन जाए, कितनी 15 मिनट वाली, आप चार्टिंग में जाइए और उसको जो टाइम फ्रेम होता है उसको 15 मिनट्स कर दीजिए, है ना, और वन डे कर दीजिए, जैसे आप पीरियड को वन डे कर दीजिए या 5 डेज़ कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 15 मिनट्स कैंडल स्टिक कर लीजिए आप। तो 15 मिनट की अगर दो कैंडल आपको 690 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखे तो एक बार ज़रूर बाई करिएगा। और अगर यहाँ से करेक्शन गहराएगा तो हो सकता है 15-300 तक भी लाए, 400 तक भी लाए, ठीक है, जो कि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ आपको सेकेंड हाफ में। और 900 का मैंने दावा किया था परसों कि 900 के ऊपर फ्यूचर निकलेगा, फ्यूचर पर निकला 920 के करीब, तो वो सारी बातें भी राइट हो। और उस समय से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि अब लेटर हाफ में हमको बहुत सावधान रहना है, एक करेक्शन ड्यू है, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ी तेज़ी है, 16500 भी जुलाई में क्रॉस होगा, ये भी बोल रहा हूँ मैं, तो 16500 बोल रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है 16800 भी दिखाएगा। लेकिन पहले अब मार्केट को नीचे जाने दीजिए, अगर जाता है आप छेड़खानी मत करिए अपना मस्त, अगर आपने कल लॉस नहीं बुक किया तो आज कर लीजिएगा, अगर 690 पार होता हुआ नहीं दिख रहा हो तो। और अगर पार होके भी अगर आज तेज भी हो जाता है तो भी अपनी पोजीशन को हमेशा अभी हल्की रखिए टिल द एंड ऑफ जून। जो भी माथापच्ची करनी है अगर मार्केट से आपको लेनी देनी, वो इंट्राडे के रूप में ही करिए। इंट्राडे में हार हो तो हार को स्वीकार करिए, जीत हो तो जीत को लेके जाइए, लेकिन पोजीशन अभी लेके मत जाइए। एंड ऑफ जून के आसपास आप जुलाई के लिए तैयार हो जाइए, एक धमाकेदार तेज़ी मुझे लगती है, मैं अपने व्यूज से जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे लगती है। तो हो सकता है इस एक्सपायरी 24 के बाद 27-28 से ही हम, या 26-27 से चालू हो जाए या 29 से चालू हो जाए, तो बस वहाँ तक देखिए कब तक निफ्टी गिरता है। और एक तरीका है इंट्राडे में, अगर आपको सपोज़ इंट्राडे में पहले आज 600 आ जाता है या 550 आ जाता है, तो उसके बाद आपको कैसे ख़रीदना है, आप 690 तक अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, आप हड़बड़िया हो, सपोज़ 550 का लो बनाता है, तो आपको ख़रीदारी तब स्टार्ट करनी जब लो से 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ जाए, दिन के लो से 50 पॉइंट ऊपर आ जाए, तब आप दिन के लो का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली डाल के फिर एक मूव के लिए तैयार, एक रिस्क ले सकते हो। और दूसरा सबसे सेफ तरीका यही है कि लेट निफ्टी में 215 मिनट्स कैंडल अबव 690,
जब तक निफ्टी 690 के ऊपर की 2 15 मिनट की कैंडल नहीं बनाता, स्पॉट में स्पॉट यानी कि कैश, मैं फ्यूचर के लेवल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कल 767 आपका स्पॉट में क्लोज हुआ है, 767, तो 690 एक ऐसा बैरियर है, इसके ऊपर अगर 15 मिनट की 2 कैंडल बन जाएगी स्पॉट में तो फिर हम तेज़ी के लिए खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारा 649 फिर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, 649 स्पॉट का लेवल, ठीक है। तो अभी तेज़ी करने का सोचिए मत, तेज़ी हो भी सकती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है 15600 ही बॉटम हो जाए, बॉटम नोबडी कैन डिस्क्राइब, ठीक है, और टॉप नोबडी कैन डिस्क्राइब। अगर आप बॉटम और टॉप की बात करो तो एक कोपरान का शेयर देखिए, पिछले साल 29 रुपये था, इस अभी 200 आ गया, कोपरान फार्मा शेयर। और कुछ स्टॉक्स भी आपको बताने हैं तो मैं आज से या कल से चर्चा करना स्टार्ट करूंगा कि कौन से स्टॉक्स आपको डिलीवरी बेस्ड खरीदने हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं दूंगा, 3 महीना बस, 3 महीने में 10-20% पक्का वैसे वाला ढूंढ के दूंगा, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी, तो आप लोग के लाइक्स आएंगे तो करूँगा मेहनत, नहीं तो नहीं करूँगा। तो आज के लिए यही है, और बैंक निफ्टी भी अगर गैप डाउन में 34700 के नीचे चला जाता है तो उसको वापस से 34900 क्रॉस करने दीजिए, तभी बाई में बैठिए। तो आज देखते हैं क्या होगा, आज उठा पटक तो रहेगी, लेकिन आपको मैंने समझा दिया, अगर आज तेज भी हो जाए किसी कारण से तो आप हल्के हो लीजिएगा भाई, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ जून चालू है, कल से ही चालू होगा, तो इसीलिए मैं हिंट। और जिनको लगता है ये मार्केट बहुत आसान है, तो भाई साहब अगर आपने कुछ पैसे आसानी से कमा लिए हैं तो इतना आसान इसको मत समझिएगा, ये आपके कमाए हुए तो लेके जाएगा ही, आपके घर के भी लेके जाएगा और आपको उधारी में भी छोड़ के जाएगा, ये मार्केट से मैं 33 साल से जुड़ा हुआ, सो यहाँ पे हर एक कदम फूंक फूंक के रखिए, जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला भी जला, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ये मार्केट भी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ठीक है ना। एक ही दिन में अदानी में बैंड बजा दी तो मार्केट सडन सरप्राइजेस देता है, तो जब तक या तो अपने आप को हैच करके रखिए हमेशा, या फिर यार शाम को काट के जाइए ना, कल वापस खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है। लोग सोचते यार उसका फिर से ब्रोकरेज लगेगा तो कितना लगता है, आजकल तो इतनी सारी डिस्काउंट ब्रोकरेज हो गया जिसमें 7 रुपये पर ट्रेड का ब्रोकरेज है, 7 रुपीज़ ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन और जेरोदा अपस्टॉक्स, कितने हैं ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स, कुछ 8 रुपये लेते हैं, कुछ 9 रुपये लेते हैं, कुछ 15 रुपये लेते हैं, कुछ 20 रुपये पर ट्रेड का, और कुछ तो है पर ऑर्डर का भी 15 रुपये, ऑर्डर में आप चाहे 10 प्लॉट भी ले लो, तो फिर क्या डरना है यार, आज काट लो फिर कल वापस खड़ा कर लेना, लेकिन रात को नींद तो सुकून की आएगी। अभी तो तेज़ी के करेंगे अपन जुलाई से, अभी शांत रहिए, अभी हर जो ट्रेड करना है इंट्राडे में करके लॉस और प्रॉफिट और जय श्री राम बोल देने का, जिद नहीं करना कि भैया मेरा लॉस में क्यों काटूं, दैट्स इट, लाइक्स का बटन दबाना यार, है ना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय, लव यू ऑल।